तो हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं रो फिर वाइस टाउन में। तो रो फिर वाइस टाउन में न्यू अपडेट आ चुका है। न्यू अपडेट में क्या क्या नया आया है रो फिर वाइस टाउन में, वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। तो यहाँ पे एक पुलिस वाला गुंडे के पीछे पड़ चुका है। क्या यह गुंडा बच पाएगा? ये अपनी जान बचा के भाग रहा है, लेकिन ये गुंडा पकड़ा जा चुका है। मुझे नहीं लगता कि ये जिंदा बचेगा। ओ भाई, ये पुलिस वाले ने टपका दिया, मतलब कि भाई कहानी ख़त्म हो गई। चलो यहाँ से निकलते हैं टिप्सन के पास, क्योंकि हमें रो फिर वाइस टाउन के बारे में जानना है कि हमारे रो फिर वाइस टाउन में क्या क्या नया बदलाव हो चुका है। तो चलो, हमें कोई कार या फिर बाइक चाहिए। तो हमारे सामने से कार आ रही है। ये कार हमारे लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि ये कार से हम टिप्सन के पास काफ़ी जल्दी पहुंच जाएंगे। इसके अंदर तो मोटा बैठा हुआ है, तो यहाँ पे टिप्सन का फोन भी आ चुका है, तो हम काफ़ी जल्दी पहुंच जाएंगे। देखेंगे कि रो फिर वाइस टाउन में क्या क्या आ चुका है, क्या न्यू वेपन है, क्या न्यू कार है, ये सब कुछ पता चलने वाला है। तो चलो चलते हैं टिप्सन के पास। तो लगभग हम काफ़ी जल्दी पहुंच जाएंगे। तो पहुंच चुके हैं टिप्सन के घर के पास। ये है टिप्सन का नया घर, यानी कि पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। पहले टिप्सन काफ़ी ज़्यादा गरीब हुआ करता था, यानी कि अब अमीर बन चुका है। वाह, टिप्सन पूरा का पूरा चेंज हो गया। लेकिन ये क्या, यहाँ पे कुछ गुंडे हैं। अरे छोटे, देख, ये दोनों गुंडे मेरी कार को खटारा बनाने पे लगे हुए हैं, लेकिन तुझे मैं बहुत सारा पैसा दूंगा जिससे कि तू एक नया बाइक ले सकता है, जो कि गोस्ट राइडर बाइक है। इसके लिए तेरे को बहुत पैसा की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मेरा काम करेगा तो मैं तुझे पैसों से मालामाल कर दूंगा। अरे हाँ, हमारे पास पैसों की काफ़ी ज़्यादा कमी है, यानी कि हमें पैसा चाहिए जिससे कि हम गोस्ट राइडर बाइक को खरीद सके। अब ये दोनों गुंडे नहीं बचेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टिप्सन की कार को खटारा बनाने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग? तुम में से जिंदा कोई नहीं बचेगा। बहुत ज़्यादा कुंफू कराटे कर रहा है। तो दोनों को मार के सुला दिया। देखते हैं टिप्सन अब कौन सा काम देगा। तो हमें कुछ पैसे भी मिल चुके हैं। इतने पैसे में काम नहीं होगा, थोड़ा और पैसा चाहिए, उसके बाद हम गोस्ट राइडर बाइक को परचेस करेंगे, यानी कि बाय करके उसको चलाने वाले हैं। देखने वाले हैं गोस्ट राइडर बाइक कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, कितनी ज़्यादा स्पीड हो सकता है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल को ऑल पे सेट कर लो। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलो, यहाँ पे मिल चुका है हमें कार, यानी कि ये कार में बैठ के हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। ओ भाई, सामने तो काफ़ी अच्छी कार है, यानी कि काफ़ी अच्छा कार है, काफ़ी लग्जरी है। ये कार तो हमें चाहिए, लेकिन इसके अंदर गुंडा बैठा हुआ है। कोई बात नहीं, हम इसका पीछा करके इसके लोकेशन पे जाएंगे, उसके बाद हम इसे पीट पाट के ये कार को हम ले लेंगे। तो हमें सावधानी से इसका पीछा करना पड़ेगा, ज़्यादा नज़दीक गए तो मिशन फेल हो जाएगा। कोई बात नहीं, हम इसे पार करके रहेंगे आराम से। वो गुंडा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी हो सकता है। ओ भाई, वो गुंडा क्या चला रहा है अपनी कार, पता नहीं पी के चला रहा होगा। कोई बात, अरे मेरा नाम है चिम लमचा लिया, अपने लोकेशन पे पहुंचने के बाद बहुत पीऊंगा, बहुत नाचूंगा, बहुत गुंडा लोग होगा, बहुत मजा आएगा। चलो चलता हूँ फटाफट, काफी लेट हो गया। तो भाई, ये अपने लोकेशन पे जा रहा है, तो लगभग हम इसके पास पहुंचने वाले हैं। तो कोई बात नहीं, देखते जाओ हम इसका पीछा करके यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मतलब कि भाई यहाँ पे बहुत बड़ी फाइट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, क्योंकि ये फाइट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो लगभग ये गुंडा पहुँच चुका है अपने लोकेशन के पास। देखते हैं यहाँ पर ये क्या करेगा। ओ भाई, ये जगह तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और यहाँ पर कुछ भी हैं, हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो चलो चलते हैं अंदर। अंदर जाने के बाद देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हमें मिल चुका है पैसा, हमें थोड़ा और पैसे की ज़रूरत है। तो चलो अंदर जाके देखते हैं क्या होता है।
तो यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कोई गुंडे होंगे। ओ भाई, इसको मारा था ना, पता नहीं उसका भाई होगा जो कि शुरुआत में पुलिस वाले ने मारा था। ओ भाई, इसको भी हमने मार दिया, लेकिन आ चुका है सामने से एक गुंडा जिसको हमें मारना होगा। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ ख़रीदा, यानी कि गन बाय कर लिया है, जिससे कि गुंडों को मारने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। इसको मारा, ये काफ़ी ज़्यादा कुंफू कराटे करता है। पता नहीं ये गुंडे कुंफू कराटे सीख के कहाँ से आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे सामने तुम लोग नहीं टिक पाओगे। ओ भाई, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए, क्योंकि हमारे पास हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन यहाँ पे दो तीन ही गुंडे हैं जिसको हम आसानी से मार के ख़त्म कर सकते हैं। तो चलो सबको मारते हैं, इसको मारते हैं, ये मर गया। अब ये टकले को मारते हैं, टकला काफ़ी ज़्यादा ही कुंभू कर रहा है, उसको भी मार दिया, लेकिन पीछे से गोली चला रहा है। तेरी इतनी हिम्मत, ये लस साले, तू तो टपक गया। अब यहाँ पे खेल सबका ख़त्म हो गया। लेकिन ये क्या भाई, अभी तक मिशन कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे लगता है थोड़ा आगे जाके देखना चाहिए क्या होता है। अरे बैठे, तेरे तो पुंगी लुंगी सब निकाल देंगे, मार बे इसको टकले, टकला चमका के मार साले को, बहुत बोलता है, हमारा गुंडा को मारता है रे। हॉस्पिटल पहुंच गया, बहुत डिंग डांग कर रहा था। अरे भाई, ये गुंडों ने मार के हमें तो सीधा हॉस्पिटल पहुंचा दिया, मतलब कि भाई काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल गुंडे हैं इसके अंदर। तो चलो देखते हैं सामने जाके, सामने हमें क्या मिलता है। तो सामने तो पिज्ज़ा बेच रहा है, बर्गर बेच रहा है, लेकिन ये हमें नहीं देगा, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे आ चुके हैं दो बुड्ढे, मतलब कि भाई दोनों बुड्ढों को अच्छा खाना पानी दे रहा है, मतलब हमें नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, हम इसका ठेला उड़ा देते हैं। ये बुढ़ा को निकाला, बरगद दे दिया। ओ ये देखो, बुढ़ा तो खुश हो गया, अब बुढ़ा खाएगा। ओ उठा के फेंक दिया हमने, अब तू भी नहीं बचेगा। तो देखते जाओ हम इसे कैसे मारते हैं, अब ये नहीं बचेगा। ओ मारा इसको, ओ वो गया। यहाँ पे तो रात हो चुकी है भाई, तो चलो यहाँ से फटाफट भागते हैं। अगर हम यहाँ पे रुके तो मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पे बच पाएंगे। तो चलो हम यहाँ से निकलना चाहिए कोई अच्छी सी जगह पे, लेकिन यहाँ पे कोई कार या फिर बाइक नहीं है। तो चलो ढूंढते हैं कार या फिर बाइक हमें कहाँ पे मिलेगी। तो हमें सामने दिखाई दे रही है, तो चलो सामने की तरफ चलते हैं। ओ भाई, लगभग हम पहुँच जाएंगे। तो वहाँ पे एक और पिज्ज़ा वाला है, पता नहीं ये पिज्ज़ा वाला कहाँ से आ गया, लग रहा है न्यू है। इसको भी उड़ा देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पीछे पुलिस गुंडे दोनों पड़े हुए हैं, तो हमें यहाँ से भागना चाहिए। तो चलो फटाफट निकलते हैं, अभी तक तो हमारे पीछे कोई नहीं है, अच्छा हुआ पीछा छोड़ दिया। ओ नहीं, ये गुंडा हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। चलो चलते हैं टिप्सन के पास, उसके बाद देखते जाओ हम गोस्ट राइडर बाइक को लेते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने के बाद बेल को ऑल पे सेट कर लो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।